कृष्ण कहते हैं, कभी बरगद के वृक्ष को देखा है कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूटकर गिर ना जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती हैं और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती हैं। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में किसी सहारे की चिंता नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। देखा है, जीवन भर घोंसला बनाते रहते हैं, यहाँ से डाली लेकर, वहाँ से तिनका लेकर, सदा इस कार्य में लगे रहते हैं कि अपना घोंसला बना सकें, और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के बारे में भूल ही जाते हैं। भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी उड़ने के लिए है, और फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है, जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला मत बनाइए, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आसमान में। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया है उससे अधिक बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाना चाहता है। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है, जो उसके पास है। बताइए कौन, यदि कोई अपना जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखें, वो स्वयं आप हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं हैं जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और अपने विश्वास को। इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई भी नहीं। जीवन बदल जाएगा और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये तीन गुण अर्जित करिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन, ये आपसे वो करवा सकती है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमताएं आपसे वो करवा सकती हैं जो आप करना चाहते हो। और तीसरा, अनुभव, अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन तीनों गुणों की तिगड़ी पाली, उसके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वो प्राप्त ना कर सके। स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं, इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और ये दोनों पूर्ण हुए तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर यह है कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रह जाते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है सोते समय, उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसीलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझ के परिश्रम से और प्रेम से बोलो राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा।